परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। जी हाँ, मैंने फैसला किया है आज से मैं किंग्स इंडियन ओपनिंग को राजा हिंदुस्तानी ओपनिंग कहूँगा, क्योंकि किंग्स मतलब राजा और इंडियन मतलब हिंदुस्तानी। मैं तो कहता हूँ कि हमें सारी ओपनिंग्स के नाम बदल के हिंदी में कर देने चाहिए। नहीं यार, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। आई डोंट नो। चुप, बिल्कुल चुप। ये एक काफी मशहूर ओपनिंग है, इसे बहुत से लोग D4 के खिलाफ खेलते हैं और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे गैरी कैस्पराव, बॉबी फिशर की ये फेवरेट ओपनिंग में से एक रही है। आज हम लोग राजा हिंदुस्तानी ओपनिंग की मुख्य लाइन देखते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह का खेल निकल कर आता है। ये ओपनिंग एक सिस्टम पर निर्धारित है, क्योंकि ब्लैक यहाँ पे पहले ही एक प्लान बना चुका है कि वो अपना घोड़ा ऐसे निकालेगा, अपना बिशप ऐसे निकालेगा और फिर कैसलिंग करेगा और फिर सेंटर पे काउंटर अटैक करेगा। अच्छा, एक बात समझिए कि जब भी किसी ओपनिंग को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मेन लाइंस देखते हैं, जो मुख्य लाइन होती है और जो मुख्य इसकी जो आइडियाज होते हैं वो देखे जाते हैं, जो मेन आइडियाज हैं। अब इनको मुख्य और मेन आइडियाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोगों ने इसे ज्यादा बार खेला है, इसलिए इसे मेन आइडिया या मुख्य आइडिया कहा जाता है। इसको एक पेड़ की तरह समझिए। जैसे जो पेड़ होता है उसके अंदर मोटी शाखाएं भी होती हैं, पतली पतली शाखाएं भी होती हैं, तो उसी तरह से चेस के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन होती है, यानी जो चालें बहुत बार चली गईं या फिर कभी-कभी भी चली जाती हैं। तो जब भी आप स्टडी करें तो सबसे पहले आप ज्यादा बार खेली जाने वाली चालों को स्टडी करें। तो यहां पर मेन लाइन है D4 नाइट F6। अब यहाँ व्हाइट के पास 2-3 अच्छी चालें हैं, जैसे कि वो कैटलैन खेल सकता है या वो लंदन सिस्टम खेल सकता है। इन लाइनों को भी हम लोग आगे कवर करेंगे, तो सब्सक्राइब। मेन लाइन यहाँ पे C4 है और ब्लैक के पास यहाँ पे 3 बहुत अच्छे विकल्प होते हैं। पहला है E6, जिसको ईस्ट इंडियन डिफेंस कहते हैं। दूसरा है C5, जिसको बेनोनी डिफेंस कहते हैं। ये दोनों डिफेंस हमारे आज के वीडियो का विषय नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आगे उसको कवर करें तो कमेंट सेक्शन में ठोक दीजिए। आज के सेक्शन में हम लोग देखेंगे G6 को, नाइट C3, बिशप G7 और अब E4। इसमें ब्लैक व्हाइट को सेंटर पे पूरा कंट्रोल लेने देता है और कहता है कोई बात नहीं, पहले हम लोग अपनी कैसलिंग करके लंगोट टाइट कर लें, फिर हम लोग सेंटर को तोड़ेंगे। किंग्स इंडियन खेलते हुए ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी व्हाइट E4 चलेगा तो आपको D6 चलना है, ताकि उसके जो ये पॉन की जो फौज है वो एकदम आगे ना आ जाए और हमारी जगह और कम ना हो जाए। नाइट F3, कैसलिंग, बिशप E2। अब ब्लैक की कैसलिंग हो गई है और अब वक्त आ गया है कि सेंटर को तोड़ा जाए, E5। अब व्हाइट अगर ये प्यादा मारता है तो D takes E5। अब E5 वाला प्यादा मर रहा है, तो ज्यादातर लोग यहाँ पे पहले क्वीन एक्सचेंज करते हैं और फिर ये प्यादा मारते हैं। लेकिन अब ब्लैक के पास एक टैक्टिक है, नाइट टेक्स ई फोर, Bishop takes E5। इसके बाद ब्लैक थोड़ा बेहतर है, क्योंकि उसके बिशप्स ज्यादा खुले हुए हैं और अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। वापस आते हैं। अब यहाँ पे वाइट चाहे तो अपना ये वाला प्यादा बढ़ा भी सकता है D5। अब ब्लैक को यहाँ चलना चाहिए A5, जिससे वो बी वाले पॉन को आगे बढ़ने से रोकेगा और अपने बी वाले घोड़े को C5 पे बैठाने की भी कोशिश करेगा। Bishop G5, H6, Bishop H4, Knight A6। घोड़े को C5 पे ले जाने के प्लान के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। Knight D2, Knight C5, Castling C6। अब जब हमारा घोड़ा आउटपोस्ट पे बैठ गया है तो अब हम सेंटर पे काउंटर अटैक करेंगे। यहाँ से ये गेम मिडिल गेम में चला जाएगा और यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक का गेम तकरीबन बराबर है। ज्यादातर यहाँ व्हाइट का प्लान ये दोनों पॉन्स को आगे बढ़ाने का होता है और ब्लैक सेंटर में काउंटर प्ले के लिए खेलता है। वापस आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने D cross E5 देख लिया और D5 पॉन पुश भी देख लिया। यहाँ एक और अच्छी चाल होती है व्हाइट के पास, कैसलिंग। इन प्यादों को ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ हमें चलना है Knight C6। D5 वाले प्यादे पे प्रेशर बनाते हुए व्हाइट की सबसे अच्छी चाल D5 है। अगर वो D takes E5 करता है तो D takes E5, Bishop G5, Bishop G4 और गेम बराबरी का हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट के पास कोई खास एडवांटेज नहीं है। वापस आते हैं और अब हम चलेंगे Knight E7। ये है राजा हिंदुस्तानी की पूरी ओपनिंग। अब हम लोग देखते हैं एक गेम, जिससे हमें थोड़ा आइडिया होगा कि ब्लैक को किस तरह से यहाँ पर खेलना चाहिए। लेकिन पहले पजल टाइम।
अब आप यहाँ पे ब्लैक खेल रहे हैं और ये पोजीशन एक किंग्स इंडियन प्लेयर की मनचाही पोजीशन होती है। यहाँ आपने चला G3 और वाइट ने चला H3। अब लग रहा है जैसे ब्लैक का सारा अटैक रुक गया है, यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए? पॉज करें, सॉल्व करें। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया उनके लिए मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि नमन। सही चाल है बिशप टेक्स H3। ऐसे अटैक में राजा तक पहुंचने के लिए एक दो पीस सेक्रीफाइस करने से घबराना नहीं चाहिए। G takes H3, क्वीन H4 चेकमेट का खतरा बनाते हुए, किंग G2 प्यादा बचाते हुए, लेकिन अब नाइट G5। और अब वाइट कुछ भी कर ले, दो चाल में गेम खत्म हो जाएगा। Queen takes H3 चेक, किंग G1, क्वीन H2 चेकमेट। वापस आते हैं। ये जो पोजीशन है ये किंग्स इंडियन के प्लेयर्स को अक्सर देखने को मिल जाती है। अब आप अगर प्यादों के ढांचों को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर ब्लैक जो है वो अपने राजा के तरफ के प्यादों को आगे बढ़ाएगा और वाइट जो है वो अपनी रानी की तरफ के प्यादों को आगे बढ़ाएगा। B4, इसे बायोनेट अटैक भी कहते हैं। नाइट H5, हमने अपना घोड़ा भी हटाया और प्यादे को बढ़ाने की जगह भी बनाई। इस प्यादे के लिए जगह हम लोग नाइट D7 या नाइट E8 पे भी जाके बना सकते थे। ये दोनों प्लान काम करते हैं। रुक E1, नाइट F4, अगर वो बिशप से घोड़े को मारता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए हमारा डार्क स्क्वायर वाला बिशप कितना ताकतवर हो गया। वापस आते हैं। वाइट अपने बिशप को बचाता है। क्वीन C2, G5, अब F4 वाला घोड़ा बहुत मजबूत हो गया। C5, और अब याद रखिएगा कि आप मत मारिएगा बल्कि आप अपने प्लान के साथ F5 चलिएगा। C takes D6, C takes D6, क्वीन B3, डी वाले प्यादे को सपोर्ट देते हुए, क्योंकि अगर ई वाला प्यादा मरता है तो उसको सपोर्ट चाहिए होगा। नाइट EG6, नाइट D2, रुक F7, नाइट C4, G4, बिशप E3, बिशप F8, रुक ED1, रुक G7। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि ब्लैक अपने किंग साइड अटैक की तैयारी कर रहा है और वाइट उसके अटैक को दिमाग में रखते हुए अपने बचाव की तैयारी कर रहा है। G3, और अब क्वीन G5। ये क्या, अपने घोड़े को क्यों मरता हुआ छोड़ दिया? इसलिए क्योंकि अगर G takes F4 तो E takes F4 के बाद बिशप D2, नाइट H4, बिशप E2 घोड़े के चेक से बचने के लिए, लेकिन अब नाइट F3 चेक, क्योंकि बिशप टेक्स F3, G takes F3 चेक, किंग F1 और क्वीन G1 चेकमेट। और यहाँ पे अगर किंग H1 तो G3, बिशप टेक्स F3, क्वीन H4, F takes G3, F takes G3, किंग G1, क्वीन टेक्स H2 चेक, किंग F1, क्वीन F2 चेकमेट। और अगर यहाँ पे किंग F1 तो क्वीन H4, बिशप D3, क्वीन H3 चेक, किंग E2, नाइट D4 चेक से क्वीन मर जाएगी। वापस आते हैं। यहाँ वाइट ने चला E takes F5, बिशप टेक्स F5, नाइट D2, क्वीन H5, नाइट DE4, फोर्क का खतरा, बिशप E7 बचाते हुए, रुक AC1, नाइट H3 चेक, किंग H1, रुक F8, रुक D2, A6, बिशप G2, नाइट G5, नाइट टेक्स G5, H takes G5, किंग G1, रुक H7, नाइट E2, क्वीन टेक्स H2 चेक, किंग F1। अब यहाँ ब्लैक ने बहुत अच्छी चाल चली, नाइट F4, क्योंकि ये एक पीस सेक्रीफाइस नहीं है बल्कि ब्लैक को अपना पीस वापस मिल जाएगा। G takes F4, और अब अगर बिशप हटेगा तो फोर्क लग जाएगी। तो यहाँ पर वाइट ने चला नाइट G1, अब F3, नाइट टेक्स F3, G takes F3, बिशप टेक्स F3, E4, बिशप G2, रुक G7, F4, E takes F3 एंड पासेंट, बिशप टेक्स F3, और अब एक बेहतरीन क्वीन सेक्रीफाइस के साथ गेम खत्म करते हुए, क्वीन H1 चेक, बिशप टेक्स H1, बिशप D3 चेक। ये एक डबल चेक है तो राजा को हटना पड़ेगा। और अब रुक F1 चेकमेट। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और चेस का टॉपिक कवर करूं
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर। हम आपको सलाह देते हैं कि चेस को संतुलित तरीके से खेलें और अपने समय का ध्यान रखें। खेल का आनंद लें लेकिन खुद को और अपने समय को प्राथमिकता देना ना भूलें।